स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। सुनिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कंपनी इश्यूज 10% इरिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹1 lakh। द कंपनी इज इन 55% टैक्स ब्रैकेट। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट ब्रैकेट में बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। ठीक है, इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट नंबर ए पर, नंबर बी पे निकालना है 10% डिस्काउंट और नंबर सी पे है 10% प्रीमियम। सुनिए, एक कंपनी 1 lakh rupees के 10% अशोधनीय ऋण पत्र, ठीक है, निर्गमित करती है। कंपनी में 55% टैक्स है, कर है, ठीक है। अब क्या निकालना है, कर से पूर्व और कर के बाद कॉस्ट ऑफ डेट मतलब ऋण की लागत ज्ञात कीजिए। यदि डिवेंचर्स में इश्यू हो रहे हैं एट पर यानी कि समूल्य पर निर्गमित हुए हैं ऋण पत्र, नंबर बी पर निकालना है 10% डिस्काउंट यानी कि बट्टे पर निर्गमित हुए हैं और नंबर सी 10% प्रीमियम यानी कि 10% प्रीमियम पर निर्गमित हुए हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले आना सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं इशू डिबेंचर्स एट पर, इससे पहले पर का दे रखा है, ठीक है। इसमें यहां पे हम नंबर ए डालेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पर डैश लगा देंगे। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेबल, इसको ब्रैकेट में बोलेंगे शॉर्ट में आईपी, ठीक है। आईपी इक्वल होगा फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ठीक है। तो फेस वैल्यू है हमारी इसमें 100 डालेंगे, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% इन 10 अपॉन 100, ठीक है। इसे दो जीरो से 100 से 100 काटेंगे, इक्वल कितना आ गया ₹10। जी हमारा निकल के आ गया आईपी, आईपी आ गया यानी इंटरेस्ट पेबल 10 rupees, ठीक है। इसके बाद हम अब दे रखा है एनपी, एनपी इक्वल एनपी हमारा होगा ₹100, ठीक है, नेट वैल्यू। अब इसके बाद सीबी निकालेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट को हम शॉर्ट में लिखते हैं सीबी, ठीक है। पहले पूछा है बिफोर टैक्स, तो पहले बिफोर टैक्स इसके बाद इक्वल टू इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम आईपी अपॉन एनपी इनटू 100, ठीक है। आईपी हमारा है, आईपी कितना है इंटरेस्ट पेबल जो मैं अभी निकाला था ₹10 अपॉन एनपी है हमारा 100 इंटू 100, 100 से 100 काटेंगे इज इक्वल टू ₹10, ठीक है। ये हमारा ₹10 निकल के आ गया, रुपीज में नहीं, इसको परसेंटेज में आएगा, यहाँ पे परसेंटेज का साइन, अगर
10% आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा सीवी यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। अब हम किसका निकालेंगे, इसका आफ्टर टैक्स निकालेंगे। ठीक है, सुनिए, अब देखिए हम सीवी आफ्टर टैक्स यहां पे यू कर देते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट ब्रैकेट में बिफोर टैक्स ठीक है, फिर 1 माइनस टैक्स रेट। अब हमारा कॉस्ट ऑफ डेट जो बिफोर टैक्स आया है हमारा, जब देखते हैं कितना आया है 10%। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बिफोर टैक्स 10 माइनस 1 माइनस टैक्स रेट हमारा कितना है, इसमें ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है द कंपनी इज इन 55% टैक्स ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे 10 इंटू, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे 1 माइनस 55% दैट इज 1 इज इक्वल टू 10 इंटू। अब 1 में से 55% माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.45। ठीक है, इक्वल टू याद आएगा हमारा परसेंटेज में। अब हम टैक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.45 और पॉइंट पर दो डिजिट है, एक जीरो लगा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.50%। ये हमारा आ गया सीबी आफ्टर टैक्स। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स तो हमारा आया था सीबी बिफोर टैक्स आया था 10%। ठीक है, और सीबी आफ्टर टैक्स आ गया हमारा 4.50%। जी हमारा ए का निकला है। अब हम निकालेंगे बी, यानी कि हम इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। बी वाले में क्या है, डिस्काउंट डैश। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम यहां पे इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल ब्रैकेट में आई पी इक्वल, इसमें लिखेंगे हम फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है, आप सुनिए इसमें पहले लिखेंगे हम इसमें फेस वैल्यू, तो हमारा जो फेस वैल्यू है पहले हम लिखेंगे फेस वैल्यू बराबर ₹100। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम इंटरेस्ट पेबल यानी कि आईवी इक्वल ₹10, फिर डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू इज इक्वल टू 100 × 10 × 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, 10 आ गया। इसके बाद
एनपी इक्वल फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, जो डिस्काउंट हमारा है इसको माइनस कर देते हैं डिस्काउंट में, फेस वैल्यू 100 माइनस 10, ठीक है, ये रुपीज में यहाँ पे रुपीज का सही, तो आगे हमारा रुपीज 90, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे अब लिखेंगे सीवी बिफोर टैक्स, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम आईपी अपॉन एनपी इंटू परसेंटेज, ठीक है। तो आईपी हमारा है इंटरेस्ट पेबल, आईपी हमारा है 10 अपॉन एनपी हमारा है 90 इंटू 100 परसेंटेज, जीरो से घटा देंगे इक्वल आ जाएगा हमारा 11.11%, ये आ गया सीवी बिफोर टैक्स। इसके बाद हमें निकालना है सीवी आफ्टर टैक्स, इसका फॉर्मूला वही लगाएंगे तो ऊपर वाले में लगाएंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट ब्रैकेट में बिफोर टैक्स फिर 1 माइनस टैक्स रेट, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमारा भी आएगा 11.11 फिर इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट आएगा 55% बढ़ दे रखा है, अब इक्वल टू 11.11 इंटू 1 में से 55% माइनस करेंगे तो 0.45% है। इसके बाद 11.11 की 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.995 और परसेंटेज और 5%, ठीक है, क्योंकि 4 के बाद 9 आ रहा है पॉइंट, इसलिए यहाँ पे 5% भी बोल सकते हैं। अब सी सी लिखेंगे हम इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, प्रीमियम पर निकालेंगे इंटरेस्ट लगा देंगे, इसमें लिखेंगे हम इंटरेस्ट पेबल यानी कि आईपी, आईपी हमारा 12 रुपीज 100, ठीक है। इसके बाद प्रीमियम, प्रीमियम इक्वल होगा 100 × 10% और 100 = 10 आ गया 9 रुपीज। अब देखिए इसमें फेस वैल्यू प्लस कर देंगे प्रीमियम, फेस वैल्यू का हमारा 100 + 10 आया था, अभी इसे कैलकुलेट करके 20 बराबर आ गया हमारा 110, ठीक है। इसके बाद हम अब निकालेंगे सीवी बिफोर टैक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला वही है आईपी अपॉन एनपी इनटू 100, ठीक है परसेंटेज, आईपी हमारा है आईपी आएगा हमारा 100
110 इंटू 10 है। अब इसका हमारा आ गया 9.09%। अब आगे देखिए, इंटू 1 माइनस 55%।